पैदल एंड शिप करके रेंगून तक पहुंचा। उसके बाद दोनों साइड से फिर एडवांस किया है, एक तो कोहिमा तक, दूसरा साइड में चित्तागोंग बांग्लादेश तक। टोटल माइल्स एडवांस किया है 2,832 माइल्स। देन हिरोशिमा नागासाकी में दो एटम बम डालने की वजह से वार स्टॉप हो गया। फिर विड्रॉल किया है 1,100 माइल्स अप टू बैंकॉक। देन बटल फील्ड थे, लड़ाई का मैदान जो है कोहिमा, नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर, बर्मा, म्यांमार, तीन जगह पे बटल फील्ड थे। और ये हेडक्वार्टर नंबर वन ये मोइरांग में है, ये प्लेस मोइरांग है। तो एक्चुअल प्लेस जो है यहाँ से हाफ किलोमीटर चल करके है। अभी नरेंद्र मोदी जी आकर के उसको इनोग्रेट किया है। तो यहाँ कमांडर था कर्नल शौकत अली मलिक बहादुर ग्रुप, इंटेलिजेंस ग्रुप। उसी के साथ मणिपुर के फ्रीडम फाइटर सब मिल करके इसी कॉम्प्लेक्स में, कंगला है, कंगला मोइरांग कंगला, उसी के सामने 14 अप्रैल 1944 में इंडिया का त्रिकलर फ्लैग जो है फर्स्ट होइस किया है। देन वार में जितना लोग शहीद हुआ था उसका मेमोरियल स्टोन सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 में सिंगापुर में बनाया था, और भी ब्रिटिश ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद उसी का रिप्लिका यहाँ रखा है, मेमोरियल स्टोन। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना काम पूरा किया है, जबकि वार में जितने लोग शहीद हुआ है उनका मेमोरियल स्टोन तक बनाया। उसके बाद जो भी हुआ है, लापता है, वो तो उनकी दिल की बात है। हाँ, ये है। तो ये दो मैप की अंदर की फोटोग्राफी है, ये सारा रियर फोटोग्राफ्स है, इसमें कलर टचिंग किया है प्रिजर्व करने के लिए। तो आप इस साइड से फोटोग्राफ देखिए।